हेलो गाइस, आज मैं आपको सॉफ्ट ग्लोविंग मेकअप सिखाने जा रही हूँ। मैंने लेंसेज वेयर करा दी है मेरी मॉडल को। फर्स्ट मैं टोनिंग करूँगी। टोनिंग को मैं अच्छे से ऑब्जर्व करवाऊँगी डैप करके मेरी स्किन पे, मेरी मॉडल की स्किन पे। फिर उसके बाद में मैं सिरम यूज़ कर रही हूँ इंडलजियो का, उसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे, अच्छे से मसाज करूँगी। अच्छे से मसाज करिएगा। मसाज करने के बाद में आप 2 to 3 minutes मेकअप मॉइस्चराइज़र या कुछ भी लगाने से पहले इसको 5 minutes छोड़ना। 5 minutes छोड़ने के बाद में आप इसमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मैं जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं पॉन्ड्स का। इसको भी मैं पूरे फेस पे, आइज़ के, अंडर आइज़ के नीचे एंड मेरे नेक पे अच्छे से कवर करूँगी। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करूँगी मैं फेस को, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके इसको भी मैं अच्छे से मसाज करके ऑब्जर्व करवा दूँगी। फर्स्ट मैं आई से स्टार्ट करूँगी। मैं ई एल एफ का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए। इसको मैं अच्छे से अप्लाई करके अच्छे से ब्रश से पहले ब्लेंड करूँगी, देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको। फिर मैं हुडा ब्यूटी का आई शेडो प्लेट यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें फर्स्ट लाइट ब्राउन कलर को लेके मैं कट एंड क्रीज पे अच्छे से कट एंड अप्लाई कर दूंगी, मतलब ब्लेंड कर दूंगी, अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं। फिर मैं एज इट इज़ दूसरी आई में भी एज इट इज़ सेम ही मैं लाइट ब्राउन लेके अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं उसको। फिर मैं वापस हुडा ब्यूटी का डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके मैं एंड से स्टार्ट करूँगी। फिर मैं देन आगे की तरफ लेके आऊँगी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडिंग करना आप। फिर उसके बाद में मैं दूसरी आईज में भी एज इट इज सेम वही डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके मैं एंड से स्टार्टिंग करूँगी, फ्रंट लाऊंगी। फिर मैं कट एंड क्रीज कर रही हूँ कंसीलर से, मैं कट एंड क्रीज बना रही हूँ मॉडल की आई पे। अच्छे से कट एंड क्रीज करें एज इट इज़, दोनों सेम होनी चाहिए आपकी कट एंड क्रीज जब आप बना रहे हैं। बहुत अच्छे से कट एंड क्रीज बनाइएगा। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। अच्छे से कट एंड क्रीज करिए दोनों आईज में। अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी कंसीलर लगा के, अच्छे से फिंगर की मदद से मैं ब्लेंड करके। फिर ये देखिए मेरा कट एंड क्रीज कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्किनी का ग्लिटर प्लेट यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 glitters को मिक्स करके अपनी मॉडल के कट एंड क्रीज के शेप के ऊपर ही एज इट इज़ शेप के साथ में ही मैं ग्लिटर लगाऊंगी। आप देखिए अच्छे से ग्लिटर लगाइए एज इट इज़। आप सेम दूसरी आई में भी ऐसे ही ग्लिटर लगाना है आपको। अच्छे से ग्लिटर लगाइएगा। फिर मैं वापस डार्क ब्राउन कलर लेके हुडा ब्यूटी की प्लेट से ही कट एंड क्रीज की एजेस को मैं ब्लेंड कर दूंगी डार्क ब्राउन कलर से, तो सब मर्ज होता हुआ नज़र आएगा। फिर मैं इनग्लॉट का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप मेबलिन का भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छे से मैं लाइनिंग आई लाइनर लगाऊंगी मेरी मॉडल को एज इट इज़। मैं दूसरी आई में भी सेम वैसे ही मैं लाइनर लगाऊंगी। दूसरी में भी आप सेम ही लगाइएगा, दोनों तरफ अलग अलग ना हो। अच्छे से आईलाइनर लगाने के बाद में मुझे थोड़ा मेरा आई शेडो थोड़ा फीका लग रहा था, तो मैंने हल्का सा डस्ट ग्लिटर लेके, मैंने फॉरएवर 52 का डस्ट ग्लिटर लिया है, उसको मैं अच्छे से 2-way gel लगाने के बाद में उसके ऊपर ग्लिटर लगाऊंगी। फिर मैं कलर बार का आईलाइनर ले रही हूँ अपने लाइनर को सेट करने के लिए। इससे आपका ग्लिटर फॉल, जो आपका ग्लिटर और लाइनर मर्ज हो जाता है, वो नहीं होगा। तो आप लिक्विड लाइनर से ज़रूर आपका लाइनर फिक्स करें बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का। लैशेस लगाने से पहले आप आपके आईज पे ज़रूर मस्कारा लगाएं, अच्छे से अप्लाई करें। फिर मैं लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस लगाने के बाद में मैं फेस पे मेकअप पे आऊँगी। अब मैं NYX का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, पोर प्राइमर। अच्छे से मैं नोज़ के यहाँ और जहाँ जहाँ मुझे पोर्स
लग रहा है मैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी। फिर मैं करेक्टर से स्किन से दो शेड नीचे का कलर मैं लेके अपने अंडर आई पे और जहाँ पर भी मुझे एक्ने स्कार्स वगैरह होते हैं मॉडल को वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ भी ब्लैकनेस है उसको मैं ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी उसे। फिर मैं फॉर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ, पूरे फेस पे मैं ब्रश से अप्लाई कर दूँगी, पूरे फेस पे इवन लेयर कर दूँगी बहुत अच्छे से। सेम फाउंडेशन आप नेक पे भी लगाइएगा, नेक भी कवर करिएगा, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करिएगा पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करके। बस ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। टू फेस्ड का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए, जहाँ जहाँ मैं अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ होते हैं मैं वहाँ वहाँ कंसीलर यूज़ करूँगी। आप देख लीजिएगा मैं कहाँ कहाँ कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंडिंग करिएगा, अब इसकी ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका बेस अच्छे से नहीं बनेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। फिर मैं फेंटी ब्यूटी का कंटोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं कंटोर फेस शेप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्रश से, अच्छे से मैं कंटोर कर लूँगी। फिर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर लूँगी मैं। थोड़ी क्यूटनेस के लिए मैंने नोज़ पर और चिन पर भी लगाया है। आप भी सॉफ्ट लुक कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। मुझे पर्सनली ब्लश बहुत पसंद है तो मैं लगाती हूँ। ये मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ 452 का। अच्छे से मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है अच्छे से मैं उसको सेट कर दूँगी, अच्छे से फेस को, पूरे फेस को आप सेट कर लीजिए। फिर मैं एनेस्थासिया का आईब्रो पोमेड ले रही हूँ, उससे मैं अपना आईब्रो फील करूँगी मॉडल का। आईब्रो फील करने के बाद ब्रश आउट कर दूंगी उसको एज इट इज़। आप दूसरी भी यही करना। मैं न्यूट काजल लगा रही हूँ मेरे मॉडल के आई में। फिर मैं डार्क ब्राउन कलर और लाइट ब्राउन मिक्स करके हुडा ब्यूटी की प्लेट से ही अंडर आई करूँगी। अच्छे से आप अंडर आई करिएगा। फिर मैं मेरे लिक्विड कंटोर को पाउडर कंटोर से सेट कर रही हूँ। नोज़ कंटोर करिएगा अच्छे से। फिर मैं फ्लावर ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ मेरे लिक्विड ब्लश को सेट करने के लिए। अच्छे से सेट करिएगा। फिर मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एफ का। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। ऑफरा का हाइलाइटर है, बहुत सॉफ्ट लुक देता है और बहुत नेचुरल ग्लो देता है फेस पे। अच्छे से मैं ब्यूटी बोन पे एंड फेस पे जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ वहाँ हाइलाइटर लगाऊंगी। मैं आई की कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर लगा रही हूँ। फिर मैं अब लिप्स पे आती हूँ। मैं के ब्यूटी का लाइनर यूज़ कर रही हूँ अपना लाइन शेप करने के लिए मॉडल का। अच्छे से आप लाइन शेप कर लीजिएगा। फिर मैं ब्रश आउट कर रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ हल्का सा लिप लाइनर को। फिर उसके बाद में मैंने लिपस्टिक लगाया कलर बार का, लाइट कलर का ब्राउन, तो मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था ये, तो मैंने मैबलिन का भी लिया है। मैंने मैबलिन का लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं। अच्छे से डार्क, थोड़ा डार्क हो जाएगा। मैं ग्लॉस लगा रही हूँ। ये ग्लॉस टू फेस्ड का इंजेक्शन जो आता है लिप प्लमर वो है। देखिए आप लास्ट लुक कितना सॉफ्ट और कितना ग्लैम लुक लग रहा है, बहुत सॉफ्ट और ग्लोई लुक लग रहा है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, आपका प्यार दिखाएं।